5 पिस्तौल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार, चुनाव में फैलाना चाहता था दहशत। द्वारका जिला सेक्टर 23 थाना पुलिस ने कुख्यात हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो अवैध हथियारों की खेप से दिल्ली के लोकसभा चुनाव में दहशत फैलाना चाहता था। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चाइना मेड 5 पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी बदमाश सुमित खरब उर्फ लंबू हथियारों को दिल्ली वेग NCR में सक्रिय गिरोह के बदमाशों को सप्लाई करता था। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एंटो अल्फोस ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बदमाश की पहचान सुमित खरब उर्फ लंबू उम्र 26 साल निवासी गांव मुंडेला कला नजफगढ़ के रूप में हुई है। चुनाव को देखते हुए द्वारका जिला पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से अभियान चलाया हुआ था और इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई थी। द्वारका पुलिस को सूचना मिली कि वह एक शख्स हथियारों की बड़ी खेप मतदान वाले दिन द्वारका में पहुंचाने वाला है। सूचना के आधार पर ACP राजेंद्र सिंह की देखरेख में SHO संतन सिंह रावत, इंस्पेक्टर श्रीनिवासन, सब इंस्पेक्टर विवेक मंडोला की टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने द्वारका सेक्टर 19 के वर्धमान मॉल के पास से सुमित खरब को ट्रैप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके लैपटॉप बैग की तलाशी ली तो उसमें 5 पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद किए। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि पिता की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और खेती करने लगा था। खेती करने के दौरान उसे नशा करने की लत लग गई और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह आपराधिक वारदातों को अंजाम देने लगा। कुछ बदमाशों के संपर्क में आने के बाद वह पहली बार 2014 में हरियाणा के बहादुरगढ़ सदर थाना में गिरफ्तार हुआ। बीते साल 2017 में भी द्वारका साउथ सेक्टर 23 थाना पुलिस ने उसे पहली बार अवैध हथियार के साथ पकड़ा था और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जेल में बंद रहने के दौरान उसकी मुलाकात यूपी के खुर्जा निवासी आरुष से हुई, जो हथियारों की तस्करी के आरोप में जेल में बंद था। सुमित खरब ने उससे दोस्ती की और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए दोनों ने हथियारों की तस्करी करने के लिए हाथ मिला लिया। इससे पहले सुमित चुनाव में दहशत फैलाने के लिए हथियारों की खेप बदमाशों तक पहुँचा था। द्वारका पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर इस धंधे से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रही है। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद द्वारका डिस्ट्रिक्ट में फायर आर्म्स पकड़ने का काफ़ी ध्यान देते हुए हम अलग अलग टीम कंस्टिट्यूट किया था। उसमें सेक्टर 23 का टीम है। कल इलेक्शन जैसे पोलिंग के दौरान पेट्रोलिंग में थे और उनका इलाका में PS द्वारका सेक्टर 23 इलाका में एक आदमी को पकड़ा था। उनका नाम है सुमित। सुमित से उनका बैग से 5 फायर आर्म्स, 4 पिस्टल और 1 और कट्टा और 2 लाइव राउंड मिला था, वो बरामद हो चुका है। और सुमित का कहना है कि और इन्होंने यूपी से इनका जो जान पहचान वाला है तिहाड़ जेल में पहले मुलाकात हो चुका था इनको। इनका नाम आरुष। इनका इनसे ये पिस्टल और बाकी फायर आर्म्स इनसे लिया था और यहाँ भेजने के लिए इन्होंने लेके आए हैं। और ये सुमित का पिछले इन्वॉल्वमेंट्स भी है और पूछताछ हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन तब की आगे बढ़ रहा है।